मंगल लालगंज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम सोनकर ने किया नामांकन। नामांकन के बाद राम जानकी मैदान लालगंज में की जनसभा। नीलम सोनकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं लागू की है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन, आवास योजना, शौचालयों का निर्माण, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाएं तथा कामगारों को सरकार ने 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपया देने जा रही है। इस मौके पर लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, विधानसभा प्रभारी महेश्वरी कांत पांडे, प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान, संचिता चौहान, मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा लालगंज अध्यक्ष रजनीश जायसवाल, आनंद राय, प्रमोद राज, रजनीकांत त्रिपाठी, मोहन सोनकर, सौरभ सिंह, सुनील सिंह डब्बू और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। शेखर चौहान के साथ सतीश चौहान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जब नामांकन करने के मैं आजमगढ़ से यहाँ पे आई तो मैं छोटी, मेरा ये विचार था कि एक बार कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के एक छोटी सी सभा हो जाए, बस उसी का एक स्वरूप था। मिशन 2022 लेकर आपका क्या कहना है? मिशन 22 का क्या कहना ये तो नहीं है, लेकिन ये कहना जरूर है कि हमारी जो सरकार है, जिसका जो उसका विचार है, वो सदैव ऊंचा है। 14 से जब से हम लोग यहाँ पे केंद्र में और उसके बाद 17 में जब हम लोग प्रदेश में आए, तब से एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है कि हर घर को, हर गरीब परिवार को वो सारी सुविधाएं मिले, जिले का विकास हो। इस तरह की सोच के साथ करते हुए सारे कार्य हो रहे हैं और हमें, मैं समझती हूँ कि कहने की बजाय आप देखते जाइए कि क्या क्या सरकार करती जा रही है। लालगंज विधानसभा को यही कहना है कि जब मैं सांसद थी, आप लोगों के आशीर्वाद से, तब मैंने बहुत सारे कार्य करने का प्रयास किया। आज राम जानकी मैदान में आदरणीय सांसद, वर्तमान विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती नीलम सोनकर जी नामांकन के उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करना चाहती थी। ये बैठक के स्वरूप में ये कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई थी। इससे एक संदेश ये देना था कि जो भी हमारे कार्यकर्ता, जो जिस भी रूप में, जिस भी जगह, जिस बूथ पे, जिस सेक्टर पे, जिस संयोजक के रूप में जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं, वो खुद को प्रत्याशी के रूप में मानकर कार्य करें। मैं रजनीश जायसवाल जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं खुद को नीलम सोनकर मानकर, जो हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हैं वो खुद को नीलम सोनकर मानकर, खुद को योगी आदित्यनाथ मानकर, खुद को आदरणीय मोदी जी मानकर वो एक कार्य करेंगे अपने बूथ से। कितना अधिक से अधिक मत हम मतदान के दिन 7 तारीख को मतदान केंद्र में पहुंचाएंगे, यही हमारा लक्ष्य होगा। इसी का एक संदेश देने आई थी और उन्होंने इस लोकसभा के रहते हुए एक बहुत बड़ा काम रेलवे को लेकर किया था। उस रेलवे के रूप में जो उनका प्रयास था, वो प्रयास आज 2022 के इस वित्तीय वर्ष के बजट में वो पास हो गया है। इसके लिए मैं आदरणीय सांसद जी का, इस पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन करूंगा।